Assalamu alaikum. Today our topic is reports writing, and this is the most useful topic in our daily routine. अगर आप एक छोटी सी अकेडमी में जॉब करते हैं, वहाँ पे भी आपको ज़रूरत होती है रिपोर्ट्स लिखने की. आप कोई भी जॉब करते हैं, आपको रिपोर्ट्स सबमिट करवानी पड़ती हैं. आप जॉब को छोड़ दें, बिज़नेस साइट भी अगर आप आते हैं तो वहाँ पे भी आपको अपने वर्कर्स की रिपोर्ट्स के बारे में जानना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयर्स की रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी पड़ती हैं. आप बिज़नेस जॉब कुछ भी नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी आपको अपनी शेयरिंग करनी पड़ती है. आपके ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे आप फ्रेंड्स के ग्रुप्स में बताते हैं कि हमने वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं खुद को कि हमने आज ये किया देन ये पढ़ा. ये भी एक रिपोर्ट की काइंड है, इनफॉर्मल काइंड ऑफ रिपोर्ट है. लेकिन अगर आप इससे भी लोअर लेवल पे चले जाते हैं, तो अब बहुत छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप अपनी मॉम के साथ, सिस्टर के साथ जाके शेयरिंग करते हैं कि आज हमने स्कूल में ये किया, देन हमें हमारा ये लेक्चर हुआ, ये टेस्ट हुआ, इसमें इतने नंबर्स आए, तो ये भी एक रिपोर्ट की ही काइंड है. इट मीन्स दैट के रिपोर्ट आपके लाइफ के हर पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है. और स्टूडेंट्स को अगर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं, व्हाट दैट रियली मीन्स. तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं और क्या पर्पस है रिपोर्ट लिखने का, आखिर क्यों ज़रूरी है ये हमारे डेली रूटीन में इतनी ज़्यादा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट अवर टॉपिक. व्हाट इज़ रिपोर्ट? रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि फैक्ट्स की बेस पे ली जाती है, जिसमें फैक्ट लिखे जाते हैं, मतलब कि हकीकी इंफॉर्मेशन होती है, हकीकत लिखी जाती है उसमें. क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्यों लिखी जाती है रिपोर्ट में? क्योंकि रिपोर्ट्स की बेस पे जज किया जाता है किसी चीज़ को, और डिसीजंस लिए जाते हैं रिपोर्ट्स की बेस पे. सो द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करती है हायर अथॉरिटी और फिर उसकी बेस पे डिसीजंस लेती है. ये हम फॉर्मली रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट की कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिसमें हम ओरली भी रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं. जो मेन पर्पस होता है रिपोर्ट का, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है हायर अथॉरिटी को. हमेशा जो लोअर अथॉरिटी होती है वो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट सबमिट करवाती है, बेशक फिर वो स्टूडेंट टू टीचर हो, टीचर टू प्रिंसिपल हो, एम्प्लॉयर टू मैनेजर हो, या कोई भी हायर अथॉरिटी हो, उनको रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती हैं. जो मेन पर्पस होता है रिपोर्ट का, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है हायर अथॉरिटी को, जिसके बेस पे वो डिसीजंस ले सके और एक्शंस ले सके. अब रिपोर्ट्स अगेन एंड अगेन द सेम पॉइंट इज दैट कि रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन अथेंटिक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स की बेस पे ही डिसीजंस लिए जाएंगे, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स, अगर आपकी एरर आता है रिपोर्ट्स में, इट मींस कि आपके डिसीजंस रॉन्ग होंगे. तो रिपोर्ट्स एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं. तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ड्यूरिंग रिपोर्ट राइटिंग. वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. अगर हम रिपोर्ट्स को दो लाइंस में एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, सो दैट इज़, रिपोर्ट इज़ अ शॉर्ट, शार्प एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट. एक छोटा सा, बहुत ही स्मॉल साइज में लिखा गया डॉक्यूमेंट होता है,
जो कि समराइज वे में लिखा गया होता है, नॉट इन अ लेंथी डिटेल। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा लेंथी डेटा ही देना है हमने अपनी हायर अथॉरिटी को, तो फिर तो हायर अथॉरिटी खुद डेटा कलेक्ट कर सकती है इजीली। फॉर सपोज दैट अगर प्रिंसिपल को हम लोग लेंथी रिपोर्ट लिखकर सबमिट करवा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है उन्हें अपने टीचर्स को कहने की कि आप हमें बच्चों की रिपोर्ट्स दें। वो हर एक क्लास में जाके खुद पता कर सकते हैं कि कौन सी क्लास का कितने स्टूडेंट्स, आपके क्या परसेंटेज है आपके स्टूडेंट्स की। तो इतना टाइम नहीं होता, उनके अपने वर्क्स होते हैं, उनका अपना वर्क बर्डन होता है, जिसकी वजह से हम वो हमसे रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हमें हमेशा रिपोर्ट्स समराइज वे में सबमिट करवानी पड़ती हैं। तो ये एक शॉर्ट कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए सबमिट करवाते हैं या फिर देते हैं। देने से मुराद के हम अपनी ओरल वे में प्रेजेंट करते हैं। पर्पज़ कोई भी हो सकता है रिपोर्ट लिखने का, जिस तरह कि अगर आप स्कूल लेवल पे देखें तो स्टूडेंट्स के परसेंटेज देखना कि वो कितना पढ़ रहे हैं, बिजनेस में देख लें तो एम्प्लॉयर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। इवन हर जो फील्ड है उसकी एक अपना पार्टिकुलर पर्पज़ होता है रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट का। रिपोर्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और आपकी रिपोर्ट्स का पर्पज़ भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इवन कि आप अपनी रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को फैक्चुअल बनाने के लिए, मोर अथेंटिक बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को आप एविडेंसेस ऐड कर सकते हैं, प्रूफ्स ऐड कर सकते हैं। आपने जो इशू है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, देन उसको भी केयरफुली अपनी रिपोर्ट में लिखना है। जो मेन फीचर्स हैं किसी भी रिपोर्ट लिखने के, रिपोर्ट्स हम बिज़नेस के लिए लिखते हैं, रिसर्च पर्पसेस के लिए लिखते हैं, जॉब के लिए लिखते हैं। जैसा से मैंने पहले ही प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ कि हर फील्ड का अपना पर्पस होता है रिपोर्ट्स का। इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट की बेस पे डिसीजंस लेते हैं और प्रीवियस रिपोर्ट्स की बेस पे करंट डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से हम एक क्लासरूम की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिपोर्ट सबमिट करवाई गई जो कि प्रीवियस ईयर की थी, उसमें स्टूडेंट्स की जो ए प्लस ग्रेड हैं वो 80% हैं, 80% बच्चों ने ए प्लस ग्रेड लिया है। लेकिन अगेन सेकंड ईयर की करवाई गई, वहाँ पे बच्चों ने 85% ए प्लस ग्रेड ऑब्टेन किया। देन अगेन थर्ड ईयर की करवाई गई, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने 80% अचीव किए ए प्लस ग्रेड्स। अब नेक्स्ट फोर्थ ईयर की जब करवाई गई, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने 40% अचीव किए ए प्लस ग्रेड्स। अब प्रीवियस रिपोर्ट्स की बेस पे अथॉरिटी डिसीजन लेगी कि आइदर हमारे करंट ईयर के जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं, वही एक सेम स्टूडेंट्स हैं, वही सेम स्टूडेंट्स जब नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे वही एक इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, उनकी स्टडी लेवल लो होता जा रहा है, तो वो उनकी इंटेलिजेंसी लो क्यों हो रही है, मतलब कि उनको टीचर की बात समझ नहीं आ रही। तो ये डिसीजन लिया गया प्रीवियस रिपोर्ट्स की बेस पे। इसमें बहुत ज़्यादा दूसरे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इस चीज़ पर, लेकिन जस्ट एक सिंपल सी एग्जाम्पल है डेली रूटीन की। इसी तरह से हम प्रीवियस रिपोर्ट्स की बेस पे डिसीजन लेते हैं करंट के आउटपुट में डिक्रीज़ क्यों आ रहा है, हमारी आउटपुट में इंक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है, ये सारे डिसीजंस हमारे प्रीवियस रिपोर्ट्स की बेस पे लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स फाइनल इन नेचर होती हैं क्योंकि रिपोर्ट्स की बेस पे डिसीजन ले लिए जाते हैं, तो रिपोर्ट्स एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे डिसीजन ले लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स कंटेन ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिचुएशन। मेरी ये वीडियो यहाँ तक है, लेकिन फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड फर्दर डिटेल में मैं आपको बताऊंगी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स की टाइप्स एंड पर्पसेस ऑफ रिपोर्ट्स। ये मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़
बनाऊंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से भी मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लें। और फर्दर अगर आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके बता दें कि मैं आपको उन टॉपिक्स के अबाउट अवेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।